दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम आपके लिए लेटर में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। उनमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर का फंडा अपनाएंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो सबसे पहले हम एक डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ए वन 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 ए वन 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 ए, इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए क्यू माइनस थ्री ए प्लस टू आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए क्यू माइनस थ्री ए प्लस टू आएगी। आप चाहे तो इसका प्रसार कर लीजिएगा, प्रसार करने के बाद में इसकी वैल्यू आएगी ए क्यू माइनस थ्री ए प्लस टू। अब जैसे किसी क्वेश्चन में टू वन 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 टू वन 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 टू आता है, सो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है, टू। इस टू को आप यहाँ रख दीजिए, दो का क्यूब कितना आएगा, एट। दो इंटू तीन कितना आएगा, छः प्लस दो आठ, दो दस में छः गया कितना आएगा, चार। हम सिर्फ आपको जो है इस फॉर्मेट में जो वैल्यू आ रही है सिर्फ उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस फार्मूले में जो वैल्यू आ रही है हम उसी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। यदि यहाँ ए की वैल्यू थ्री आ जाएगी, थ्री वन 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 थ्री वन 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 थ्री आ जाए, थ्री वन 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 थ्री वन 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 थ्री आ जाए, सो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू थ्री है। यहाँ पे तीन का क्यूब सत्ताईस आएगा, तीन त्रिका नौ प्लस दो, सत्ताईस में से नौ गया अट्ठारह, दो कितना आएगा बीस। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बीस आएगी। ए की वैल्यू यदि यहाँ फोर आती है, फोर वन 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 फोर वन 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 फोर आए, ए की वैल्यू यदि फाइव आती है, फाइव वन 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 फाइव वन 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 फाइव, तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन, अभी जैसे क्वेश्चन लिया हम लोगों ने ए प्लस बी ए बी ए ए प्लस सी सी बी सी बी प्लस सी, चार ऑप्शन इसके, फोर ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी एंड नन ऑफ दीज। अब इसे सॉल्व करना देखो बच्चों, तो आप ए बी सी ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू वन सी इज इक्वल टू वन, एक तो ये ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू सी इज इक्वल टू थ्री, ये दो वैल्यू आप लगभग हर एक क्वेश्चन ले सकते हैं। ए की वैल्यू जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमें ऑप्शन पे भी गौर करना पड़ेगा। यदि ए की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो ये जीरो ये जीरो सभी जीरो हो जाएंगे, इसलिए जीरो का तो यहाँ ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तीनों वैल्यू इक्वल ले ले रहे हैं हम, वन वन ले लेते हैं, वन टू थ्री भी ले सकते हैं। यदि वन टू थ्री लिया आपने, ए वन बी टू सी थ्री, आप सोच रहे यही क्यों लिया, आप थ्री ले लो, फोर ले लो, फाइव ले लो, फाइव ले लो, दस ले लो, पंद्रह ले लो, आप बड़ी से बड़ी वैल्यू सकते हैं, लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सी वैल्यू लेंगे, जीरो यहाँ नहीं ले सकते हम लोग। इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग पुट द वैल्यू गेट द आंसर के फंडे ही चलते हैं। यहाँ पर जीरो हम लोग बिल्कुल नहीं ले सकते। वन टू थ्री ले लीजिए और कुछ ले लीजिए वैल्यू, यहाँ वैल्यू बड़ी हो जाएगी। हमें यहाँ पर दिख रहा है इस क्वेश्चन में यदि हम इक्वल लेते हैं वन वन वन, तो ये वैल्यू यदि आप इसमें पुट करते हैं तो वन प्लस वन कितना आएगा, टू, और इसकी वैल्यू वन वन, यहाँ पुट करिए वन टू वन 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 और टू। और अभी अभी इसका आंसर हम लोग ने कैलकुलेट किया था फोर। फॉर्मूला क्या था इसका, ए क्यू माइनस थ्री ए प्लस का टू। फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस थ्री ए प्लस टू, सो इसका आंसर क्या आ गया, फोर। अब वन वन रखने से फोर किस में आ रहा है, ये देखिए इसमें आ रहा है। हालांकि देख सकते हैं वन वन रखने से वैल्यू इक्वल आ रही, पर हमारा आंसर तो फोर आ रहा ना, वन वन रखने से यहाँ पर आ रहा। आपको हो सकता है डाउट आ जाए, इसलिए मैं इस चीज को भी क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद में आप दिमाग में आएगा कि नन ऑफ दीज क्यों नहीं हुआ। देखिए 99% बच्चों आंसर नन ऑफ दीज नहीं होते, आंसर हमारा फोर यहाँ पर टैली कर रहा है, सो आंसर यही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सी वैल्यू को प्रेफरेंस दिया, वन वन को दिया। वन वन को देने से यहाँ पर ये वैल्यू हमारे इसमें कन्वर्ट होगी, और ठीक पहले भी दो मिनट पहले मैंने एक वीडियो बताया था अभी इसको कि इसकी वैल्यू फोर आई थी। इस फॉर्मूले से आप पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इस बेस पे। अभी क्वेश्चन हमें लिया है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। अब इसमें जैसे आप सोचेंगे मैं ट्रिक लगाऊँ या हम लोग ट्रिक लगा दें एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए ट्रिक इस्तेमाल करिए लेकिन ट्रिक से पहले ही आंसर आ रहा और कम टाइम में आ रहा तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तीनों में वन वन है, आप इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटाइए, इसको जीरो आ जाएगा, इसमें इसको घटाइए, यहाँ जीरो आ जाएगा, दो जीरो आ जाएंगे तो इसका प्रसार किया था। घटाने का माइनस करने का रूल सीखिए, यदि सी थ्री में से सी टू को माइनस करेंगे, किस में माइनस कर रहे हैं सी थ्री, तो रिजल्ट कहाँ लिखा जाएगा सी थ्री, ये सी वन है सी टू है सी थ्री, सी थ्री माइनस सी टू, वन माइनस वन कितना आएगा जीरो, वन माइनस माइनस एक्स क्या आएगा माइनस एक्स आएगा, वन प्लस वाई क्या आएगा यहाँ पर वाई आएगा। यहाँ पर सी टू माइनस सी वन चेंज करेंगे सी टू को, वन माइनस वन कितना आएगा जीरो आएगा, वन प्लस एक्स माइनस एक्स क्या आएगा एक्स आएगा, वन माइनस वन कितना आएगा जीरो, और ये आ गया वन वन और वन। हमारे पास आर वन में आप देख सकते हैं आर वन में हमारे पास में दो जीरो आ गए, जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पर जब दो जीरो आ जाएंगे तो प्रसार सिर्फ सिंगल का होगा, यानी यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका आंसर आएगा। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि यदि बेसिक तरीके से क्वेश्चन अभी जल्दी सॉल्व हो रहा है तो उस क्वेश्चन में बेसिक तरीके यूज करेंगे, यदि क्वेश्चन में लग रहा कि बड़ा हो रहा तो वहाँ वैल्यू पुट करेंगे। दोनों प्रोसेस एक साथ मतलब फॉलो कर दीजिएगा, आप जो है बिल्कुल सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ किसी चीज़ पे डिपेंड बिल्कुल होना गलत होता है कि आप बोलोगे नहीं अब मुझे बढ़िया सा मेथड मिल गया पुट द वैल्यू गेट द आंसर और हम किसी भी मेथड को नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ा जाता है, ना कि हमें हर चीज़ याद हो एग्ज़ाम में फेल हो जाए, ये बिल्कुल फैक्ट है। हमेशा पास होने के लिए पढ़ने, पास होने के लिए क्या सही है क्या गलत है, मेहनत करने के लिए तो सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मेहनत हमारी सफल ही हो रही है, जो हम मेहनत कर रहे हैं सही दिशा मेहनत हो रही है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पुट द वैल्यू गेट द तो आंसर ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं। तो जो जो क्वेश्चन हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनमें वैल्यू पुट होने से क्वेश्चन जल्दी आ रहा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वैल्यू ना पुट करें उसके बाद में बेसिक तरीके से प्रसार कर दें उसका आंसर भी जल्दी आएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है हमारे सामने। अब जैसे क्वेश्चन लिए हमने x, y, z, 1 1 1 y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन है यार। अब मैंने बोला था ना आपसे कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर ठीक है, बट हर जगह वो चीज़ अप्लाई नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि एग्जाम में दोनों दिमाग लगा बिछड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करते समय एक क्षण देखिए तो कि मेरे पास है क्या, वो दिमागी से किसी क्वेश्चन को पढ़ा जाता है सॉल्व किया जाता है और अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यदि इसको इसके साथ ऐड करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करते हैं x x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और तीनों से कॉमन ले लेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट यहाँ बनता दिख रहा। ये वाली जो लाइन है वो सी वन है और ये वाली जो लाइन है वो सी थ्री है। जब कभी भी ऐड करते हैं तो आप रिजल्ट C1 में भी लिख सकते हैं, रिजल्ट आप C3 में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि आप माइनस कर रहे हैं जैसे C3 माइनस C2 लिख रहे हैं आप, तो जिसमें से घटाया जाता है रिजल्ट उसी में ही लिखा जाता है, ठीक है। R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो R2 में आंसर लिखेंगे, तो हम यहाँ पर चेंज क्या करेंगे C1, ठीक है, इस लाइन को हम चेंज करेंगे, किस लाइन को चेंज करेंगे C1 को, तो बाकी लिख दीजिए आप y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वन वन वन, हमें चेंज किसको करना है C1 को, ठीक है। इसमें इसको ऐड करिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इसमें ऐड करिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें इसको ऐड करिए x प्लस वाई प्लस जेड, हाँ इससे कॉमन क्या आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन लेते ही यहाँ पर क्या आएगा वन वन वन, वन वन वन, और y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। डिटरमिनेंट के रूल के अकॉर्डिंग
यदि दो लाइनें बराबर है, दो रो बराबर है, दो एक कॉलम बराबर है, उसका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। यहाँ देख सकते हैं दो रो इक्वल है, सो इसका रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। सो इसका 100% की आंसर आएगा सी आएगा। यहाँ पर पुट द वैल्यू, गेट द आंसर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ देखिए, वन वन मान सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू वन, वन वन वन, ये और ये इक्वल हो गया, आंसर जीरो, ऐसे कर सकते हैं। तो कितना सिंपल था। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक कर सकता है, देखिए मैंने आपको ये भी समझाया बेसिक तरीका। बाद में यहाँ वन वन मान सकते हैं आप, इक्वल मान लीजिए, इक्वल से कोई डाउट नहीं होगा, वन माइनस वन, यहाँ हाँ ठीक है, सारे आंसर अलग आएंगे यहाँ पे। तो आप इसमें एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू वन, मैं बता देता हूँ उसको, उसको नोट कर लीजिए इसे। एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू वन, यहाँ एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू वन मान सकते हैं। तो वन वन वन, वन वन वन, वन वन वन, और वाई प्लस जेड, सॉरी यहाँ वन प्लस वन कितना आएगा? टू आएगा, टू आएगा, टू आएगा, ये दो लाइनें बराबर, रिजल्ट क्या आएगा इसका? जीरो। इससे भी आंसर लाया जा सकता है। तो मैंने बोला ना, आप थोड़ा सा सोचना शुरू कर दोगे, मेरे से क्वेश्चन लिखेंगे, उससे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने लगेगा। यदि आप सीखना शुरू कर देंगे और सीखना आ गया, तो यकीन मानिए क्वेश्चन जो आपको आना शुरू हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन से देखते ही हमारे चेहरे में स्माइल आ गई कि मुझे पता हो गया इसका आंसर जीरो। आप हो सकता सोच रहे हो कि सर आपने तो क्वेश्चन लिखा, आपको तो आंसर मालूम होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने क्या देखा, P और Q, P इज इक्वल टू वन, Q इज इक्वल टू वन ले लेते हैं। P और Q वन वन ले लेंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, पूरी डिटर में क्या हो गई, जीरो हो गई। और P और Q वन लेने से यहाँ थ्री आएगा, यहाँ वन आएगा, यहाँ वन आएगा, और जीरो हमारे ऑप्शन में इसका आंसर क्या आएगा, ये। तो यदि हम जो वैल्यू ले रहे हैं उससे हमारे आंसर गड़बड़ नहीं हो रहे हैं, ऑप्शन गड़बड़ नहीं हो रहे हैं, तो 100% हमारे क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। P इज इक्वल टू वन, Q इज इक्वल टू वन लेने से ये पूरी लाइन जीरो, ये जीरो, और एक ही जीरो पर्याप्त है, एक लाइन जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अब जिन्हें नहीं समझ आ रहा तो आप उस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल देख सकते हैं। ये हमारे पास में R1 है, ये R2 है, हम R1 माइनस R2 करने जा रहे हैं, R1 माइनस R2 करने जा रहे हैं, और चेंज करेंगे हम जो है किस में घटा रहे हैं, R1 को, तो R1 चेंज करेंगे। इसके बाद में R2 माइनस R1 करने जा रहे हैं, चेंज किसको करेंगे, R2 को। ध्यान दीजिएगा, जिसको घटाया जाता है उसी ही वैल्यू को ही चेंज करते हैं, सो क्वेश्चन हमारा कभी गड़बड़ नहीं होगा। इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो P माइनस Q आएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे P माइनस Q आएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे माइनस Q प्लस R कैंसिल हो जाएगा, P माइनस Q करेंगे, इसमें इसको माइनस करिए तो Q माइनस R आएगा, इसमें इसको माइनस करिए Q माइनस R आएगा, और इसमें इसको माइनस करिए Q माइनस R आएगा, और ये लिखा R माइनस P, R माइनस Q, तो वैल्यू कितनी, जीरो। ये इससे पूरा कॉमन आ रहा P माइनस Q, ये वन 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 आएगा, इससे कॉमन आ रहा Q माइनस R, वन 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 आएगा, दोनों वैल्यू बराबर, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये इसका एक लाइन में सोल्यूशन भी हो सकता है। आपको दोनों ही मेथड सीखने हैं क्वेश्चन में जो है, क्योंकि मैंने बोला ना एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना है, ठीक है ना, कि हमें बहुत टैलेंटेड या हम सोचो कि रिसर्च करने लगे। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, आपको पढ़ना अपने आप बहुत अच्छा आ जाएगा। जब पर्सन या व्यक्ति रिलैक्स होता है तो उसकी चीज़ें और भी अच्छी हो जाती हैं, जो चिंता में रहता है उसकी चीज़ें बिगड़ती है अधिक में। तो एक बार किसी चीज़ को अचीव कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको हर एक नीड की वैल्यू जो है कम्प्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखिए और पुट द वैल्यू, गेट द आंसर भी दिमाग लगाइए क्या आंसर आ रहा। दोनों चीज़ें भूलनी नहीं है, वही बेस्ट होता है जो हर एक चीज़ में कमांड है इसका। तो आपको हर एक चीज़ में कमांड चाहिए, हमारे एग्जाम के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या आता है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपने ट्वेल्थ में भी इसको देखा होगा जो है, ये कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, यहाँ घटाने के या बेसिक तरीके लगाने से बढ़िया है हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पर ए की वैल्यू वन ले लें और बी की वैल्यू वन ले लें और सी की वैल्यू भी वन ले लें,
तो तीनों वैल्यू वन लेंगे तो यहाँ वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन होल स्क्वायर, वन प्लस वन प्लस वन की अलग आ रहा है, इसका मतलब सही है। दोस्तों एक काम और भी कर सकते हैं, यही क्यों लिया देखो, थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, यदि इसको हम ज़ीरो कर दें तभी तो क्वेश्चन का आंसर आने के चांसेस हैं। कैसे भाई, देखिए वन प्लस वन और वन प्लस वन का होल स्क्वायर, वन प्लस वन का होल क्यूब। अब इसे जीरो मत कर देना, यदि आपने इसे जीरो कर दिया तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे, जो आप सोचो कि ज़्यादा लालच आ जाए, और हम ये भी कर सकते हैं तो बचेगी नहीं कुछ, इसलिए इसको वन बना रहने दीजिएगा, इसको जीरो। तो वैल्यू कैसे हम सोच रहे हैं इस चीज़ को सोचिए थोड़ा सा। आप वन क्यों लिया, आप 35 ले लीजिए, 38 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, देखिए कितना बड़ा हो जाए क्वेश्चन, आपको लग रहा हो स्क्वायर हो जाएगा। सो जीरो वन का ही तो सहारा है क्वेश्चन में, सबसे छोटी वैल्यू का, और उन्हीं वैल्यू को ही लेंगे हम लोग। सो यहाँ पर हम वन 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 ले रहे थे, सो हम लोगों ने दिमाग में आया कि यार यहाँ जीरो कर दिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन में एक ही वैल्यू वन, वन माइनस वन कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी, और ये वैल्यू तो लिख चुकी जीरो, ये वैल्यू कितनी आ रही, हाँ टू, और ये वैल्यू कितनी आ रही, हाँ वन वन और वन जीरो, ये ज़ीरो आ रहा, इसकी वैल्यू कितनी, ज़ीरो आ रही, बी की वैल्यू वन, ए की वैल्यू वन, ठीक है हाँ, इसके टू ए कितना आ रहा, टू आ रहा, टू बी, हाँ टू आ रहा, और सी माइनस वन, सी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू जीरो, और इसकी वैल्यू कितनी कितनी, माइनस वन माइनस वन माइनस टू आएगी, ये वैल्यू आ रहा है ये। अब आप देख सकते हैं आर थ्री को यदि लेकर, सॉरी आर वन को लेकर यदि इसका प्रसार किया जाए तो ये तो जीरो है, ये जीरो है, सिर्फ ये आएगा, ये कितना आ रहा, टू आएगा, प्लस माइनस प्लस होता है या माइनस आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा, माइनस का फोर आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, चार गुना कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, आठ आएगा, प्लस का कितना आएगा, आठ। अब वन प्लस वन आप देख सकते हैं किस में रखने से आएगा, वन प्लस वन यहाँ टू आएगा, सी तो हट जाएगा जीरो, सी हटा देते हैं हम, यहाँ सी हटा देते हैं, वन प्लस वन टू आएगा, यहाँ टू का स्क्वायर आएगा, टू का क्यूब, 100% यहाँ पर इससे एट आ जाएगा। तो देखा कहाँ हम लोग लेने जा रहे थे, वन 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 तीनों वैल्यू, लेकिन थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया कि यार जीरो सी ले लेते हैं तो थोड़ा सा तो और छोटा हो जाएगा, तो जीरो को भी प्रेफरेंस देंगे हम क्वेश्चन में। तो मैंने बोला ना वैल्यू पर आप नज़र रखिए कि हम क्या ले सकते हैं। हाँ, एकदम से ऐसा मत करना कि हम सभी जीरो लें जल्दी आ जाए, ये मत सोचना। मैंने बोला ना क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छा सोचिएगा, बिल्कुल लालच में और जल्दीबाजी मत रहिएगा कि लाइए इस पे जीरो आ गया तो हम सब जीरो ले लें। रिस्क बिल्कुल नहीं लीजिएगा, जहाँ लग रहा है क्वेश्चन में वहाँ इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, और सी इज इक्वल टू थ्री ले सकते हैं, वन टू थ्री, आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में रिस्क हो रहा, वन टू थ्री ले सकते हैं। जिससे क्वेश्चन लिए वन अपान ए ए स्क्वायर बी सी, वन अपान बी बी स्क्वायर ए सी, वन अपान सी सी स्क्वायर और ए बी। इस क्वेश्चन में देखिए आपको लग रहा है इसका एक्सपेंशन किया जा सकता है, लेकिन यदि ए बी सी वन वन ले लें क्या फ़र्क पड़ता है, तीनों ऑप्शन तो डिफरेंट ही है ना। ए इज इक्वल टू यदि वन ले लेते हैं और बी इज इक्वल टू वन ले लिया जाए और सी इज इक्वल टू वन ले लिया जाए, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ पर भी वन हो जाएगा, यहाँ पर भी वन हो जाएगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, ये सभी वन हो जाएंगे बच्चों, और इसका आंसर तो 100% जीरो ही आएगा। तो देखिए वन वन ले सकते हैं, ऑप्शन डिफरेंट हैं तो फिर आंसर लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इस पर नहीं सोचना कि यार ऐसा ना हो जाए, कहीं गलत हो जाए, नेगेटिव दिमाग में आएगी तो फिर वैल्यू भी आप गलत सोचना शुरू कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन भी एक राह पे चलते जाएंगे तो 100% वैल्यू भी करेक्ट आएगी। इसको यदि सीखना है कि हम इसको ना ऐसे करें तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इस पर ए का मल्टीप्लाई करिए तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे ए का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इस पे बी का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इस पे सी का मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, इसमें ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा, और फिर क्या आएगा, ए बी सी, इसमें बी का मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा और बी क्यूब आएगा और ए बी सी,
सी का मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा और सी क्यूब आएगा और ए बी सी। मल्टीप्लाई किया तो भाई इसका मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, वन अपान ए बी सी आएगा। अब थोड़ा सा तो ओएल सीखना सोचना शुरू कर दो, यदि कॉमन ले लेंगे ए बी सी तो कट जाएगा यहाँ वन 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 वन, दो लाइनें बराबर हैं, आंसर फिर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो पहले मेथड सीखा वो ज़्यादा अच्छा था, एक लाइन में सॉल्व हो रहा है ये भी तो अच्छा है, नो रिस्क वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको सोचना है एग्ज़ाम में कि मुझे करना क्या। मेरा काम है दोनों मेथड आपको बताना एग्ज़ाम्स के लिए, बट डिसाइड आपको करना है कि करना क्या है और क्या सही क्या गलत है, ये डिसाइड आपको करना। मेरे हिसाब से पहला भी सही था, दूसरा भी सही है। पहले वाले वन वन विदाउट रिस्क आप ले सकते हैं ऑप्शन, क्योंकि डिफरेंट है, थोड़ा सा दिमाग में रिस्क आ रहा है तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, टाइम है तो। टाइम बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं बचा, आप पहला मेथड अप्लाइए, थोड़ा सा टाइम बचा है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है इसमें, ए स्क्वायर प्लस टू ए, टू ए प्लस वन वन, टू ए प्लस वन ए प्लस टू वन, थ्री थ्री और वन। इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखिए इसमें ऑप्शन देखिए ए माइनस वन ए माइनस वन ए माइनस वन, तीनों में ही ए माइनस वन है। आपने यदि सोचा है कि वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं तो यहाँ माइनस वन माइनस वन माइनस वन आएगा, आप सोचिए कि वैल्यू वन पुट कर दें जीरो 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 आ जाएगा, आप सोचिए कि वैल्यू टू पुट कर दें टू माइनस वन वन आएगा, टू माइनस वन वन आएगा, टू माइनस वन वन आएगा, आप सोचिए कि वैल्यू थ्री पुट कर दें थ्री माइनस टू का स्क्वायर थ्री माइनस वन का क्यूब, हाँ थ्री ली जा सकती है वैल्यू, क्योंकि देखिए होल स्क्वायर था, वैल्यू थ्री ली जा सकती है। थ्री पुट कर दीजिए यहाँ पर जो है, सिम्प्लीफाई कर लीजिए, थ्री रख के यहाँ सिम्प्लीफाई कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सोचो कि यदि ए की वैल्यू पॉजिटिव रबड़ कर रही है तो ए की वैल्यू यदि माइनस वन ले लें, ये भी तो हो सकता है, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस वन ही क्यों लिया, माइनस फाइव ले लो, सब अलग अलग आ जाएगी। लेकिन आप देखो तो माइनस फाइव और माइनस वन माइनस सिक्स क्यों बड़ा कितना हो रहा, ऊपर भी तो है। वीडियो देखते समय हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा, क्योंकि मैं तो उसमें रहूंगा नहीं, वीडियो देखते समय आपके हो सकता है कि सर ने माइनस वन क्यों लिया है, अब माइनस एट ले लो तुरंत वैल्यू जो है इसमें क्या आ रही है, सब ये अलग अलग आ जाएगी। पर ऊपर भी देखो तो आपको सॉल्व करना है, जब इतना बड़ा सॉल्व करना है तो इसको ही तो ऐड करके सॉल्व कर लो। मैंने बोला ना प्रेफरेंस जीरो वन माइनस वन माइनस टू, कोशिश करो इनमें वैल्यू फंसाओ, थ्री वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि सब तीनों आप डिफरेंट आ रहे हैं। थ्री रखने से पहले यहाँ देखो तो तीन तरह का नौ और तीन दुना छः, नौ छः पंद्रह आ रहा है, वैल्यू बड़ी हो रही नहीं होगा तो रख के तो सॉल्व करना पड़ेगा। पॉजिटिव की जगह हमने थोड़ा सा बैक आ गए पीछे, नेगेटिव ले लिया हमने, माइनस वन ले लिया, और माइनस वन में ये तीनों ऑप्शन इक्वल हैं। यदि मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ कि तीनों इक्वल हैं, आपकी बात नहीं समझ आ रही, तो आप वीडियो को स्टॉप करके पहले वैल्यू पुट करके देखिए तो कि इक्वल है कि नहीं, जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है उस चीज़ को फॉलो करके देखिए तो इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ थ्री भी ले सकते हैं माइनस वन, हम यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं माइनस वन को, माइनस वन को हमने प्रेफरेंस इसलिए दे दिया कि माइनस वन से यहाँ पर वैल्यू सिंपल आ जाएगी, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस टू माइनस वन आएगा, यहाँ पर माइनस टू और प्लस वन माइनस वन आएगा, और क्या लिखा है वन, माइनस टू और वन माइनस वन माइनस वन, यहाँ प्लस वन आएगा और यहाँ कितना आएगा वन आएगा, थ्री और थ्री और वन। आप या तो डायरेक्ट आप बच्चों प्रसार कर दीजिए या तो जोड़ घटा लीजिए, तब भी कुछ कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट प्रसार कर दे रहा हूँ, माइनस वन ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ वन माइनस थ्री, इसका मल्टीप्लाई सर ठीक है, ये पहला पोर्शन हो गया। दूसरा ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये कैंसिल इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस वन आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस थ्री आएगा, इसके बाद में ये प्लस वन, ये कैंसिल इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस थ्री आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री और वन माइनस टू और ये कितना आएगा प्लस का टू, यहाँ पर वैल्यू अच्छी हो जाएगी माइनस का फोर आई, यहाँ पर तीन तीन छः माइनस का छः आएगा, माइनस चार सॉरी माइनस छः माइनस चार दस और माइनस छः माइनस चार माइनस दस और टू वैल्यू आएगी माइनस का एट। यार स्क्वायर है तो निगेटिव आने का तो प्रश्न ही नहीं है,
कुछ चीज़ें तो पता होंगी पहले से, स्क्वायर लगाया तो निगेटिव तो आने का, तो प्रश्न खत्म हो गया। ये माइनस वन यहाँ रखेंगे, माइनस वन क्या आएगा, माइनस टू आएगा। यहाँ माइनस वन माइनस टू, माइनस टू का क्यूब लिखेंगे तो माइनस का एट आ जाएगा। सो 100% ईजी का आंसर करेक्ट। तो देखा थ्री भी ले रहे थे हम लोग, लेकिन मैंने देखा कि थ्री से कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है, नहीं होता तो करनी पड़ती, करते, लेकिन हमारे पास में बेस्ट ऑप्शन माइनस वन मिल गया हमें। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे ऑप्शंस में क्या सूटेबल फंस रहा। ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि इधर ध्यान बिल्कुल नहीं दे, पहले सॉल्व कर डाले, बाद में देखा कि सारे आंसर इक्वल आ रहे, बाद और यार क्या हो गया। तो इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे यार। आइए हम कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं, जो डिटरमिनेंट यूजफुल रिजल्ट्स हैं उनको ये लिखते हैं। कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं हम लोग, डायरेक्ट यूज करेंगे, जैसे ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इसकी जो वैल्यू होगी यदि ऐसा दिया जाएगा तो ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसकी वैल्यू होगी। बच्चों चार पांच रिजल्ट्स लिख रहे हैं, इन्हें आपको केवल याद करना होगा। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट क्या है, वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आएगी वो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये वही है, इसमें सिर्फ हमने ए बी सी नहीं लिया, वही क्वेश्चन है। वन 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 है, ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आएगी। तीसरा रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। तीसरा रिजल्ट है वन वन वन, ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। वन वन है, ए बी सी है, सो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इतना पोर्शन तो रहेगा रहेगा। और क्यू आ गया साथ में, ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, क्यू आ गया साथ में रहेगा ए प्लस बी प्लस सी। चौथा रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। वन वन वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आप लोगों को बच्चों लग रहा होगा कि ये रिजल्ट्स पहले वाला रिजल्ट लिखा हुआ है, आप देखिएगा डिफरेंट है उससे। इसकी जो वैल्यू होगी, वन वन है, ए बी सी है, तो इसकी वैल्यू आएगी ए माइनस बी, इतना पोर्शन तो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर तीन दो पाँच ये वैल्यू आ गई है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी। एक लास्ट रिजल्ट हम लोग को यूज करना है, वो कौन सा है इसे नोट कर लीजिए। लास्ट रिजल्ट से बच्चों, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। इसकी जो वैल्यू है वो थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसमें एक क्वेश्चन बच्चों आया, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर। वैसे तो ये रिजल्ट है, इसे याद करना होगा, पर एक क्वेश्चन और आ चुका है इसमें, ए बी सी पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो हम लेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन टू, और सी की वैल्यू थ्री। वन वन ले लेंगे तो जीरो आ जाएगा, दोनों तरफ जीरो आ जाएगा, हमें जीरो नहीं रिजल्ट प्रूव करना है। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू, सी की वैल्यू। आपको बच्चे कुछ वर्क दे रहे हैं हम, इसको जरा आप यहाँ रखिएगा और रख के देखिएगा, पॉजिटिव आ रहा नेगेटिव आ रहा, 100% क्या आएगा, नेगेटिव आ रहा। पूरा क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक तो पहले इस रिजल्ट्स को प्रिपेयर करना आपको, फिर एक क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में कि ये दे रखा है, बोला गया ए बी सी धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव ना,
ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 2 ले ली, सी की वैल्यू मैंने 3 ले ली, पॉजिटिव ना 1, 2, 3 ले लिया। आप सोचेंगे 1, 2, 3 ले लिया, आप 15, 20, 25 ले लो, लेकिन दिख तो रहा ना 15 क्यों 25 क्यों। सो मैंने बोला ना दिमाग में वही रखिएगा छोटी वैल्यू 1, 2, 3। पॉजिटिव क्यों ली, क्योंकि बोला गया कंडीशंस, पॉजिटिव वाला क्वेश्चन आ चुका है ए बी सी, ये वैल्यू आप रखिएगा, यहाँ 100% निगेटिव आएगा। सो यदि ए बी सी पॉजिटिव हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होगी। रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लगातार इसी तरीके से वीडियो देखते जाइएगा, मेरी पूरी कोशिश है अच्छे क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आएंगे। कुछ बच्चों ने वेन डायग्राम की कमेंट्स भी ली हैं और कुछ बच्चों ने जो है बोला है कि सर जो है डोमेन और रेंज के बारे में, तो नेक्स्ट टाइम भी हम आपको डोमेन और रेंज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, जय हिंद।